दिल्ली है कि जमशेदपुर वाले? अच्छा, ये टाटा वाले हैं। सुनो भाई, तो मैं आपको बुढ़ी बकरी दिखाऊं, देखो इसके दाढ़ी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर बरकातहू, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है ईद का दूसरा दिन और ये है भाई माशाल्लाह से, और भाई ने देखो क्या किया है, बता। अरे फ्रिज में गोश्त रखा था, मैंने सोचा कि इसी मुर्गे के गोश्त को गर्म कर दूं निकाल के, ये गोश्त मैंने इसको निकाल के चढ़ा दिया इसमें गैस पे, और जाके आईपीएल के हाईलाइट देखने लगे, गोश्त बोल के अम्मी का पता चलता, अभी पता ही अम्मी की तरफ से नीचे लग गया है, थोड़ा बच गया है, ज्यादा ज्यादा लोग है नहीं तो ये चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लग गया है। और कैसा रहा एक्सपीरियंस आईपीएल देखने का? एकदम बिल्कुल मजा आ गया, मैं तिरंगा लेके गया था, खूब खड़ा होके लहराया तिरंगा खूब। वालेकुम ईद मुबारक हो जाहिद भाई को, क्या हाल है? मुझे लगा कि भाई आप, क्योंकि तो अबे तेरे नजरी लगती रहती है, तू जो ना कलाटी के लगा के चला गया। मतलब भाई कल, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है ईद वाले दिन की ये क्या बोलते जाहिद अख्तर से, इनसे कल बात नहीं हो पाई थी क्योंकि ईद में ऑफ कोर्स मेरा दो फोन हो गया ना, तो ये कॉल वाला आपका रखा ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग। क्या है ये? चने की छिक्कल। तभी हो गई है हमारी ईद की, मतलब के नेक्स्ट डे ईद का हो गया, क्योंकि हम कुछ जगह हम छूट गया था, तो हमने कहा आज भी लगे धूप बहुत है, मन तो नहीं कर रहा है धूप की वजह से। ओके भाभी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। और क्या हाल है, सब बढ़िया? कहाँ का घोड़ा दौर? अंदर चल। बढ़िया बढ़िया, बहुत जल्द आपको घोड़े का डांस दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आगे भाई हम चौराहा नहीं, मैं इधर जा रहा हूँ अभी। तो हमें सवारियाँ मिल, हम निकल पड़े हैं तकिया की तरफ, और अभी हम जाएंगे पहले शमशुन खाला के यहाँ, क्योंकि कल ईद में हम नहीं जा पाए थे। पहले हमारा स्कूल हुआ करता था इस तरफ, तो यहाँ हमारा आना जाना, यहाँ पे बेरी के बेर होते थे, तो यहाँ पे हम बेरी तोड़ा करते थे, तो हम लोग आते थे और स्कूल से बेर तोड़ा करते थे। अभी भी कुछ लगे होंगे, लेकिन अंदर साइड लगे हैं, यहाँ से हम लोग का रोज़ आना जाना रहता था। वालेकुम सलाम, पहले पहले। तो ये है हमारे शमशुन खाला का घर, आ गए हैं भाई, हम आ गए हैं शमशुन खाला के यहाँ। लेकिन जो ईद के बाद 6 रोजे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा सवाब है, मतलब इतना सवाब है जितने आप 30 रोजे रहते हो उसके बराबर सवाब है। तो शमशुन खाला भी आराम कर रही है, तो उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि नींद बहुत लेट में आती है। अरहान, और अभी हम नाश्ता करके आए हैं, तो सिर्फ सिवैयां बस ले लेंगे, है ना? हमजा, हमजा नाम है, क्या बात है। दिल्ली में मुलाकात करिए, दिल्ली है कि जमशेदपुर वाले? अच्छा, ये टाटा वाले हैं, आप भी लीजिए। और ये हमारी शमशुन खाला, अस्सलाम वालेकुम, मम्मी ने सलाम भेजा आपके लिए, रहमान साहब ज़्यादा। ये देखो, बता दो कहाँ रहते थे, दिल्ली में बता दो अपना एड्रेस, वो घर नहीं जानते हैं। आपसे दिल्ली में, ठीक है, माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। इंशाल्लाह दिल्ली में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह। सबसे मुलाकात हो गई और अब हम निकल रहे हैं सितारा खाले के लिए, और सामने बैठे हैं हमारे भाई रियाद, और ये तो मुलाकात हो गई थी। तो हम अपनी रुमाल छोड़ आए थे, थैंक यू सो मच। और ठीक हो, नाक में क्या हो गया था, गिर गया था कहीं से? ओहो, तो मैं आपको बुढ़ी बकरी दिखाऊं, देखो इसकी दाढ़ी है, दाढ़ी दिखा दो अपनी, ये देखो इसको दाढ़ी है, बुढ़ी बकरी। हम तकिया मोहल्ले में, और मस्जिद देखो कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, देखो कैसे, ये देख कहे कहे मारा थी भाई, कहे मारा थी। सो हम आ गए हैं सितारा खाला के यहाँ, सितारा खाला को देखने होने ईद मिलने, और देखें सितारा खाला हैं, आई होप कि होगी, कल फ़ोन तो आया था उनका। सो घर पे चल रहा है काम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे तबीयत खाला? अकबर, अच्छा, इतना बड़ा हो जा, वालेकुम सलाम, इतना बड़ा हो जा। तो ये हमारी सितारा खाला, सितारा की तबीयत थोड़ी ना सारे, दुआ करे सितारा खाला के लिए, हमारे सोनू भाई, हमारी अम्मी का, अम्मी हमारी मजबूर है, सितारा खाला कहाँ आ नहीं पाती अकेले, नहीं तो जो है अम्मी एकदम तैयार बैठी नाश्ता, मैं अभी शमशुन खाला का आता हूँ, तो सुबह सुबह मैं वैसे एक गोश्त रोटी खा के घर से निकलूँ। अस्सलाम वालेकुम, और खैरियत क्यों भाई? भाई आ गया शीर खुरमा होती है, कुरमा होते है शीर कुरमा, हमारे मौदा हम ये सिवैया ही कहते हैं, ये सब
दिल्ली मुंबई वाले वाड़े सीर कोरमा क्या अभी चाय अभी आप लीजिए। इमरान भाई के लिए हम स्पेशली ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो अल्लाह आपको जल्दी से शिफा दे। आमीन जो है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए इंशाल्लाह मुलाकात होती है। सुबह ही आ गए हैं गुड्डूबाजी के यहाँ पे। आपकी हर जगह आपको मिलेंगी आज सिवैयाँ, और ये मेरी तीसरी सिवैयाँ हैं। थोड़ा सा इसको कम कर लें भाई, हमको ईदी मिल रही है और अब हमारी उम्र जो है ईदी वाली रही नहीं है। इस बार हमें बहुत कम मिली है। आप मेरे से पूछे कहाँ कहाँ मिली, मैंने कहा अच्छा यहाँ, मैंने कहा टाइम ख़त्म हो गया ईदी वाला। और अब सानू भाई जो ना, मतलब वो ईद में भी वो माहौल रहा नहीं है जो पहले होता था। अब ईद एक्चुअली बच्चों की ही रह गई, बच्चों की रह गई है। अरे अरे इतनी तरक्की देगा तुम। आमीन। तुम्हारे खुद इंसान तारीफ करे और आमीन सुम आमीन। इंसान तुम्हारे सामने तो ये है। झूमर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपने घर में जो ना दो होल कराए हैं, अब इंशाल्लाह जब कभी मौका आएगा तो जरूर लगवाएंगे। हैदर ये हैदर और हैदर की मम्मा और दादी हैदर की इधर है। इस माशाल्लाह हैदर सो के उठाए लग रहा है। गोलू मोलू हाँ माशाल्लाह से जो है तो गोलू मोलू है, तो इसलिए कहते गोलू मोलू कहते हैं। कहते जो इंसान जैसा होगा वैसे तो कहेंगे, है ना, है ना हैदर। ये हैदर की ईदी माशाल्लाह से। हैदर ले लो ले लो ले लो। आहा अल्लाह हाफिज। मर्थ 5 मंथ्स बर्थडे गिफ्ट ईदी के तौर पे। आज ही हुआ है हैदर 5 महीने का। मतलब दुआ करिएगा अल्लाह लंबी उम्र दे, सेहत दे और तमाम परेशानियों से दूर रखे। आमीन। गुड बजे। सलाम भाई, कुछ भी कहो, जब आप अपने लोगों से मिलते हो। गुड बजे की हमारा बचपन से एकदम बहुत खास रिश्ता रहा है, कि घर से बढ़कर रहा है। तो आज हो गया, चले आज यहाँ तक आए तो पंचवीर बाबा में भी ज्यारत कर लेते हैं, वजू बना के हो लेते हैं। आ गए हैं आपका पंचवीर बाबा और यहाँ भाई हम आ गए हैं पंचवीर बाबा रहमतुल्लाह की दरगाह पे, और हमने कहा यहाँ तक आए हैं तो हम फातह भी पढ़ जाएं। तो ये सामने माशाल्लाह से दरगाह है, कितना बहुत बड़ी। ये इसकी एज मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन पता नहीं कितने 100 साल का होगा। ये आपका पीपल का पेड़, कितनी मोटी मोटी डगारें जो काट दी गई हैं किनारे से, क्योंकि ये बहुत बड़ा था। और अभी भी देखो, देख रहे कितना विशाल है। आप लोग भी ज़्यारत कर लें। और आपका ये तो भाई यहाँ पे देख, उन्होंने कितने सारे पेड़ लगा रखे हैं, बारहमासी पपीता। अब वो देखो, ये तो मुझे लगता है ना, ये देखो इसने पत्तियाँ भी छोड़ दी हैं। चलो मेहनत रंग ला रही है आप लोग की। नहीं अब नहीं मिलाते हैं ये हमारे कादिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी बासी वाली भी कल मुलाकात नहीं थी, तो हमने कहा चलो कादिर से भी मुलाकात कर लेते हैं। और आज जुमा भी है, तो भी जाके हमको कहाँ जा था मुलाकात होती है। चलो चलो मिलो शाम में चाय पे। उस्ताद को अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो। ये हमारे राजा भाई माशाल्लाह से। गले तो मिल ले, बता कहीं और कहाँ की तैयारी हुई है। तो भाई चल रहे हैं अब घर, राजा हमको ड्रॉप करेंगे। आ जाओ राजा भाई, पहली बार पहली नहीं है। नहीं भैया। अच्छा भाई जो है तो कितनी नींद मार ली देख रहे हो तो भाई। सो भाई आज जुमा तो हमने नहा लिया है, और अब लगा रहे हैं हमारे ये आयास परफ्यूम का परफ्यूम। चिन चिन बना लेते हैं। वजू वजू आ गए भाई नमाज पढ़ने जुमा की। ये यहाँ पे तो मुलाकात हो गई है। और ये रियान साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आइए आइए और आइए शाम में घर आइए। हाँ इंशाल्लाह, है ना, अम्मी को लेकर जरूर आइएगा। जी जी जरूर जरूर। बाय बाय। चलो हो गई और सब बढ़िया। चल फिर ये इन सब से मिले ना, ये सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं। बाय। अब की नमाज पढ़ के निकल आए हैं, और अभी जा रहे हैं हम खाने चौराहा, कुछ फ्रूट्स लेने हैं तो वो ले लें, फिर घर के लिए निकलेंगे। तो आ गए हैं खाले फल वाले के यहाँ। हमारे जूस ले लिया है और अब निकल रहे हैं घर के लिए। धन्नो मारी। चलो भाई चलो।
भाई सीट बहुत गर्म हो गई है, 2 मिनट में एकदम आग की तरह जलने लगती है सीट नाटे वाली, क्योंकि भाई ईद अभी गुजरी है और ये हमारे मोदा का नगर पालिका परिषद मोदा। भाई आ गए हैं घर माशाल्लाह से, रख दे जूस तो ठंडा है ना। भाई अभी आ गई हैं भाई के ससुराल वाले घर पे और देखा जा रहा है शादी का एल्बम, चलिए आपको दिखाते हैं कि शादी का एल्बम। तो यहाँ पे देखा जा रहा है शादी के एल्बम और ये अम्मी भाई की भाभी की अम्मी क्या निकाल रही हैं, समोसे। ये गर्म गर्म अभी भाई समोसे लेके आए हैं, तो भाभी ये वाली ट्रे ले लीजिए ना बड़ी वाली समोसे। भाभी की घर कौन कौन आया भाभी? बहन और अम्मी। बहन और अम्मी, एक बहन की लड़की है और एक रोशनी और एक चच्चा की लड़की, चच्चा की लड़की है। और ये है समोसे, ये चटनी। अच्छा ये वाले ये बहुत अच्छे समोसे रहते हैं इनके। यहाँ पे ये शादी कैसे चल रही है जीजी आप लोग? जी 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 मैं नहीं लूंगा, मैं अभी सो के उठाऊँ ना। हमने भी भाई ले ली है आपका ये शीर कोन वाली। आप भी पहली बार देख रहे हो? हाँ पे ठीक। सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक हो। ईद में नहीं मिली? ईद मामा आ जाले या बंद कर पहले। गुफरान देखो आपके अम्मी कितना शर्मा रही है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो। तो भाई ये था हमारा प्यारा सा ईद का सेकेंड डे व्लॉग, एंड शमशन आपको आना था लेकिन अभी तक नहीं आई है, निकलना है थोड़ा सा। तो बस ये था, अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ और अच्छा अच्छा कॉन्टेंट बनाऊँ आपके लिए। तो बस इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम सीधे नए वाले, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बक है, अल्लाह हाफिज़।